शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर सार्वजनिक पंचकुंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ संपन्न। मुंबई सेंटा क्रूज नवरात्रि उत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित माता के नवचंडी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ, जिसका आयोजन पिछले 24 वर्षों से मेहर पीठ के आचार्य पंडित सुरेंद्र शुक्ला द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया, जिसमें 9 दिन का कार्यक्रम माँ भगवती का पूजन, कन्या पूजन, माता की चौकी आदि किया गया। कार्यक्रम में आए वरिष्ठ समाज सेवी रामकुमार पाल, जो कि 24 वर्षों से लगातार माँ भगवती की सेवा करते आ रहे हैं, जिनका सम्मान सत्कार किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी देवी भक्तों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम में आए अतिथि गण, मित्र गण का सम्मान सत्कार किया गया। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि माँ भगवती का उद्घोष है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। माँ भगवती उद्घोषणा करती है कि तू मेरी एक शरण में आ, एक बार यदि तू आएगा तो मैं उसको 4 फल माँ भगवती देती है, 4 प्रकार के फल। पहला फल है सर्वा बाधा, उसी उसके सभी बाधाओं को दूर करती है। फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन और धान्य, धन का मतलब होता है लक्ष्मी, धान का मतलब होता है अन्नपूर्णा की कृपा। आज ये खाओ ये ना खाओ, ये हो ऐसा नहीं, जो कुछ भी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। और सुतान विता, पुत्र तो देती है साथ में पौत्र की भी व्यवस्था करती है, मगर इस कलयुग में महाराज रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है कि यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। इस कलयुग में यदि एक क्षण भी माँ भगवती के शरण में आ जाए, माँ भगवती उसके सभी बाधाओं को दूर करती है। मगर विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये माँ भगवती ये ब्रह्मा जी को पैदा करने की शक्ति प्रदान करती है, भगवान विष्णु को पालन करने की शक्ति प्रदान करती है, और ब्रह्मा जी को, शंकर जी को संहार करने की शक्ति यही प्रदान करती है। यही सब कुछ, जो कुछ भी है यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जिस प्रकार गाय जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो अपने जीभ से चाट करके पूरे बच्चे को साफ करती है, उसी प्रकार माँ होती है जगत जननी। एक संसारिक बात बताएं, पिता ना गंदे बच्चे को कभी गोद नहीं लेता है, तुरंत आवाज लगाएगा कि ये देख इधर, ये बच्चा गंदा हो गया, इसको साफ करके ला। गंदे बच्चे को माँ ही गोद उठाती है, माँ ही साफ करती है, और जैसे बच्चा बढ़िया साफ होकर के आएगा, पिता तुरंत गोद में ले लेगा। उसी प्रकार हम जो इस संसार में कलुषित हैं, भ्रमित हैं, भटक रहे हैं, हमारे अंदर के जो पापों को क्षय करने की सामर्थ्य है माँ भगवती में है। हम एक बार शरण में जाएंगे, माँ भगवती हमको अपने सर में, अपने आंचल में छुपा लेगी, और उद्घोष करती है कि सभी बाधाओं को मैं दूर करूँगी। सिर्फ एक ही कामना से यज्ञ किया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। सभी के चेहरे में मुस्कान हो। सुख की अनुभूति कब होती है? बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए ना, तो उसकी रक्षा के लिए महाराज रात भर नींद नहीं आती, तो सुख है। भूख नहीं, कहीं चोर कोई ले न ले, कोई कहीं देख न ले, कोई ऐसा ना हो जाए, उसी में आदमी परेशान रहता है, तो काहे का सुख? इसका मतलब धन से सुख नहीं आता। खाने से ज्यादा खा लो, पेट खराब हो जाए उसमें, तो इसका मतलब है कि खाने में भी ज्यादा नहीं। सुख की अनुभूति होती है हमारे चेहरे में शीतलता आए, हमारे चेहरे में मुस्कान जब आती है, तभी सुख की अनुभूति होती है। आप 4 आदमी हंसते हंसते पूरी रात बीत जाएगी, मालूम नहीं चलेगा।
और कहीं चेहरे की आकृति बिगड़ जाए या किसी के इंतजार में बैठे हो ना तो 5 मिनट भी लगता है, घंटों हो गया। तो हम माँ भगवती से हमारा इस यज्ञ करने का एक ही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग के चेहरे में मुस्कान हो और आपस में प्रेम हो। हमारे भारत में 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, एक श्री रामचरितमानस और दूसरी महाभारत। रामचरितमानस तो सबको घर घर रखते हैं और महाभारत कोई घर में नहीं रखना चाहता है, महाभारत कोई घर में नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई भाई में विद्वेष है और रामायण में भाई भाई का त्याग है, धन का त्याग है, वैभव का त्याग है। और जब त्याग आप करते हो तो संसार में पूजे जाते हो, जब लालच लोभ करते हो तो संसार से दूर हो जाते हो, संसार से क्या अपनों से दूर हो जाते हो। यदि दुर्योधन के अंदर लालच ना होता तो कहे को महाभारत होती, और भरत के अंदर यदि त्याग ना होता, राम के अंदर त्याग ना होता तो कहे को रामायण होती। तो एक ही कामना है, एक ही प्रसन्नता है, एक ही माँ भगवती से प्रार्थना है कि यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं हमन में, पूजन में, यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा लगाने में, माँ भगवती उनके चेहरे में मुस्कान हमेशा बना के रखे, उनको उनकी खुशियाँ, उनकी झोली जो है हमेशा खुशियों से फूल भर के रखे, यही कामना है, यही उद्देश्य है। और बाकी कोई नहीं है, ना पैसे कमाने की है, ना दिखाने की है, ना कोई आडंबर की है, यहाँ तक कि आप बाहर जाओगे एक बैनर भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो भक्त है ना, ये सच्चे भक्त हैं। हमारी चंपा जी बालानी जी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये आज 25 साल से इस यज्ञ की पुरोधा है, इस यज्ञ को शुरू करने वाली यही माई है। और ये कारमा हिंदुजा हाल से चलते 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 भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रांगण तक पहुँच गया है। बीच में कुछ कारणवश अभी बंद हो गया था, इस साल से पुनः ये यज्ञ चालू हुआ है। और एक बात, दूसरी बात, ये एकदम सच्चा दरबार है, यहाँ बहुत से लोग आए और सबकी माँ भगवती कोई में कोई मनोकामना पूर्ण की, जो सच्चे दिल से, क्योंकि माँ भगवती का उद्घोष है कि मेरे शरण में तू निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से जो कोई भी माँ भगवती के शरण में आता है, माँ भगवती उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। बोले अम्बे मात की जय। माता जी प्रेम से बोलो जय माता जी। ये माता जी का यज्ञ नवरात्रे में ये रेगुलर हो रहा है 25 साल से, और पंडित जी शुक्ल जी कर रहे हैं और बहुत अच्छे है। ये कुंड बना के विधि विधान से पूरी यहाँ पूजा होती है और पूरी यहाँ की जितनी भी जनता है वो बहुत लाभ लेती है, और सब लोग यज्ञ में बैठती जाके सबके लिए फ्री है, हवन करो, बैठो, फट प्रसाद लो, जाओ, और कल पूर्ण आहुति है। इंटरनली यू फील हैप्पी, यू फील लाइक यू नो देयर इज अ स्ट्रांग सपोर्ट इन योर लाइफ, यू नो द पावर, शक्ति, द देवी पावर इज सो प्रीडोमिनेंट हियर, यू नो यू कैन सिट बाय द जोत, बाय द जोत, एंड हियर यू जस्ट फील लाइक अनदर लेवल। जय माता जी, जय श्री कृष्ण। मंदिर में आयोजित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर तरफ से जो ये 9 दिन का प्रोग्राम हुआ है उसमें आप सबका खूब खूब स्वागत। आई एम डॉक्टर भार्गव जोशी, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबों से अनुरोध है कि इसके बाद अपना जो यहाँ फंक्शन होने वाला है माता जी का चौकी, उसमें भी आप सब रहे और उसके बाद प्रसाद लेके जाए। कल शाम को भंडारा भी है, उसमें आप सबको हार्दिक स्वागत है, आप सभी आइए और पधारिए। जय श्री कृष्ण। पहले से आपके माध्यम से स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या परेशानी और कितना सुधार होते गया?
कार्यक्रम को? अरे सुधार ही सुधार है, परेशानी कोई है ही नहीं, माता सब अपने आप काम पूरा ही करती है, हम लोग खाली माँ की सेवा करते हैं।